लेकर के जहां अपना प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, वहीं धर्मार्थ चिकित्सालय समिति सेवा संस्थान वालों ने आज रोड पर निकलकर कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस कर्मियों को हर थाने व चौकी जाकर सैनिटाइजर बांटने का काम किया और वहीं बताया कि हर 5 मिनट पर हाथ धो लो, जिससे कि कोरोना से लड़ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर आर के व डॉक्टर अंजलि ने बताया, कोरोना का उपाय। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैडम, क्या नाम है आपका? बोलिए जी, कोरोना वायरस से किस तरह से लोगों को बचना चाहिए, इसके लक्षण किस तरह से आदमी प्रवेश करते हैं, यदि कब पता चलता है लोगों को कि हमारे अंदर ये वायरस प्रवेश हो गया? देखिए, इसके लक्षण इतने जल्दी नहीं पता चलते हैं, 2 से 3 दिन लगता है पता करने में। और ज़्यादातर लोगों को जुकाम खांसी एंटीवायरस ही होता है, जिससे नहीं पता चल पाता है कि ये कोरोना वायरस है कि ये एंटीवायरस चल रहा है मौसम के हिसाब से। इसके बचाव किस तरीके से, लोगों को बचाव किस तरीके से करना चाहिए? लोगों को बचाव इस तरह से करना चाहिए कि हमको लोगों से दूरियां बना के रखना चाहिए, एक दूसरे के अटैच में नहीं आना चाहिए। और इसके सिवा कोई हमको तो उपाय नहीं दिखता है कि हम बचाव ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर आर के है। सर, कोरोना वायरस से बचाव के क्या तरीके हैं, इसके लक्षण किस प्रकार से समझ में आते हैं मरीज के? मरीज के लक्षण कोरोना वायरस इस प्रकार से लक्षण समझ में आते हैं, 2-4 दिन में तो कुछ समझ में नहीं आता, उसको सर्दी जुकाम खांसी होती है और चेस्ट पेन भी होता है, गले में खराश भी होती है, और ये जैसे ही 1 हफ्ता बीतता है वैसे ही उसको फीवर आना चालू हो जाता है, उसमें लक्षण पता लगने लगता है कि कोरोना वायरस के लक्षण पहुंच गए हैं उसके शरीर में। इसके बचाव को क्या क्या तरीके हैं? इसके बचाव ये, आप मास्क लगा कर रखिए और कुछ दूरियां बना कर रखिए लोगों से, अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उससे थोड़ा दूर रहिए, और उसके बचाव के लिए भी अपने स्वयं को बचाइए ताकि आपके पास ये लक्षण ना हो पाए। और जैसे ही अगर उसके लक्षण समझ में आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया हुआ है, उसमें आप कॉल करिए, तुरंत टीम आती है और उसके बचाव के लिए सुविधा के लिए उसको ले जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से लोग जागरूक हों? हम आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहते हैं कि लोगों को समझाइए कि किस तरीके से बचना है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जैसे ही दूरियां बना रखेंगे, अगर ऐसा व्यक्ति है तो, इसके अलावा खाने पीने की सुविधा, हर सुविधाएं सरकार दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप स्वयं को नहीं बचाएंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे, ये हमारा कहना है, हमारा मानना भी है कि आप स्वयं को बचाइए।